लाइव तस्वीरें जी कटरा के मुख्य बस अड्डे से यात्रा पंजीकरण काउंटर से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रा पंजीकरण काउंटर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है, जिसको पंजीकरण काउंटर के बाहर आप देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल भवन पर ज्यादा भीड़ होने के कारण ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कटरा के मुख्य बस अड्डे से, और जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी जो है उनके द्वारा और श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं, उनके द्वारा यात्रियों को इस जगह से इस जगह को खाली करवाया जा रहा है, ताकि भीड़ ज्यादा होने के कारण कोई अप्रिय घटना ना घट सके। आप ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कटरा से, यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर काफी तादाद में लोग खड़े हैं, श्रद्धालु खड़े हैं, जो कि माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन भवन पर भीड़ ज्यादा होने के कारण यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद कर दिया गया है। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कटरा से, और हम और भी यात्रियों से बात करने की कुछ यात्रियों से कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। प्रकाश बुनकर, मैं जयपुर से आया हूँ दर्शन के लिए, और काफी बड़ी लाइन थी। मैं क्या हैप्पी न्यू ईयर में ऊपर ही मनाऊंगा माता रानी के, नया साल नए वर्ष की 2024 की आप शुरुआत करने आए थे। हाँ, जो मैं माता रानी के दर्शन करके और मैं अपनी नई जिंदगी शुरुआत करना चाहता था, पर मेरे को ये आज का शुभ अवसर मुझे नहीं मिला। भवन पर ज्यादा भीड़ है, इसको लेकर यात्रा पर्ची काउंटर बंद कर दिया गया। हाँ, काउंटर बंद हो चुका है, बहुत भीड़ थी, जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी आज की। क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुख है आज मुझे कि मैं दर्शन नहीं कर पाया। अपन कुछ कह भी नहीं सकते, नियम कानून है वो, तो उनका पालन तो करना पड़ेगा। और भी श्रद्धालु है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम प्रेमचंद है, मैं नोएडा से आया हूँ। अब हमारे साथ में 10 लोग थे टोटल, इसमें से 4 लोग का बन गया, 6 लोग रह गए हैं। अच्छा, मतलब आपके साथ आए कि आपने फैमिली के? जी, हमारे साथ फैमिली के मेंबर थे। अच्छा। हाँ, डॉक्यूमेंट सुनते पहुंच गए थे, गेट बंद हो गया, अब हम आधे लोग रोक दिए, अब आधे लोग जाने दिए। अब आपके साथ जो लोग आए थे फैमिली वाले, उनके आधे लोगों का जो है पंजीकरण हो गया? जी जी जी, उनका हो गया, बाकी के 4 लोग रह गए। हम 4 लोग रह गए, अब आने दे रहे, एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो कुछ यात्री ग्रेटर नोएडा से आए, नोएडा से आए जी सर, नोएडा से। और कल शाम की सर ट्रेन है हमारी, कल शाम को 6 बजे की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन में बुकिंग कराई थी, स्पेशल ट्रेन है 6 बजे। और एक ही जगह से आए थे, एक ही फैमिली मेंबर है, वो फैमिली मेंबर है, जिनमें से 4 लोग है, 3 लेडीज है, 1 जेंट्स है, जिनका पास बन गया, जिनका नहीं बना हुआ है। हाँ जी, जिनका बन गया वो कितने? वो 6 लोग थे, वो चले गए, यात्रा शुरू, वो बैठे हुए सर, क्या करें, तो प्रॉब्लम हो गई ना। ट्रेन भी अगर हम सुबह जाते हैं तो ट्रेन भी है हमारी शाम को 6 बजे की। कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की, अगर श्राइन बोर्ड के कोई अधिकारी हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये खबर सुन रहे हैं, तो उनको हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ यात्री जो हैं एक ही फैमिली से यहाँ पर आए थे, इनका ये कहना है कि ग्रेटर नोएडा से ये आए थे, और उनके आधे जो फैमिली के सदस्य हैं उनका जो है RFID कार्ड बन गया है, यात्रा का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन कुछ जो इनके सदस्य हैं वो रह गए, उनका जो है यात्रा पंजीकरण नहीं हो पाया है। जो यात्री जिनको RFID कार्ड मिल चुका है, वो इनका वेट कर रहे हैं कि अगर इनको भी यात्रा का, इनकी जो सदस्य है उनके साथ आए हुए, इनका भी अगर पंजीकरण हो जाता है तो वो इकट्ठे यात्रा शुरू करेंगे। और ट्रेन कब की है आपकी? ट्रेन शाम की 6 बजे की है, कल शाम की जी, कल शाम की, तो कल शाम की इनकी ट्रेन है। तो अगर लेडी लेडी रह गई, अगर अगर नहीं हो पाता यात्रा का पंजीकरण आज इस वक्त, तो फिर क्या आगे का रहेगा आप, किस तरह? सर, अब तो इसमें तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है हमारे पास में। अगर जल्दी कल सुबह का, तो लेडीज वैसे हैं, अगर जेंट्स हो तो चलो जल्दी से जाकर के कर भी सकता है, लेडीजों के साथ में तो बहुत मुश्किल है। अब तो लग रहा है कि हमारा आना ही यहाँ पे बेकार ही हो जाएगा इस तरीका से, तो अब क्या करें सर, इसमें तो आप लोग ही बताइए कुछ ऑप्शन हो तो। भवन पर भी तो भीड़ ज्यादा है, जिसके लिए यात्रियों की फैसिलिटी को देखते हैं, यात्रियों को ये सुविधा ना हो उसको। सर, प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम लास्ट 1 साल 1.5 साल पहले जुलाई में हम आए हुए थे, तो हमें ऑनलाइन पंजीकरण किया था, उसी से हम जा चुके गए थे। इस बार हमें ऐसा कुछ पता नहीं था, हम बाणगंगा पे पहुंच गए थे, बाणगंगा से पता चला कि आपको ऑफलाइन कराना ही पड़ेगा, तो अब लेडीजों को वहां से बाणगंगा से लेकर के आए,
तब उस चक्कर में लेट हो गया, हमारा डिले हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप एक बार बात करके देखिए इनसे, क्योंकि आधे सदस्यों का जो है आरएफआईडी कार्ड बन चुका है, एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। अभी भी हम यहाँ पर और भी लोगों का इंटरव्यू करने चलते हैं, कि कोशिश कीजिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को वो फैसिलेट करते जैसे भीड़ भवन पे कम होती है। धन्यवाद जी। और ये कुछ लेडीज इनके साथ जो है आई हुई है, उनका जो आरएफआईडी कार्ड नहीं बना है, कुछ इनके साथ जो परिवार के सदस्य थे उनका आरएफआईडी कार्ड बन चुका है, इनका ये कहना है। तो आप ये सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कटरा से, ये कटरा के मुख्य बस अड्डे से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और जहां पर यात्रा पर्ची काउंटर जो है वो बंद कर दिया गया है। ये आप लाइव तस्वीरें श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से देख रहे हैं। ये यात्रा पंजीकरण कक्ष कटरा बस अड्डे का ये लाइव तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो गेट पूरी तरह से जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में भवन पर भीड़ अधिक होने के कारण जो है यात्रा पंजीकरण काउंटर को है जो है बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जब अभी बीते कुछ समय पहले यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और यहाँ पर जैसे ही भवन पर भीड़ अधिक हुई उसको लेकर जो है यात्रा पंजीकरण काउंटर को जो बंद कर दिया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी जहाँ पर है, कि यात्रा पर्ची काउंटर अगर खुलता है तो यहाँ पर यात्रा पर्ची लेने के लिए बहुत से यात्री खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है कि जो यात्रा का पंजीकरण है वो अब सुबह सोमवार सुबह 4 बजे से जो है फिर से यात्रा का पंजीकरण किया जाएगा यात्रियों का, जो यात्री रह गए हैं। आप ये देख सकते हैं सीधे तस्वीर, और यहाँ पर काफी भीड़ के दृश्य है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें या फिर जो सीआरपीएफ है, वो मौके पर जहां पर सुरक्षा जवान यहां पर मौजूद है, जो कि जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ से इस जगह को खाली करवाते हुए कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। छोटे छोटे श्रद्धालु जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर अभी भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ये यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर बैठे हुए और इंतजार करते हुए कि यात्रा पर्ची काउंटर कब खुलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि यात्रा पर्ची काउंटर जो है वो सोमवार सुबह 4 बजे ही खोला जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं माता की चुन्नी पहने हुए, जय माता दी की। कहाँ से आए आप, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम राकेश शर्मा, राकेश शर्मा अलवर। कब पहुंचे थे कटरा में? कटरा में कब पहुंचे थे? 3 दिन से लाइन में लगे पड़े थे। आपके साथ बच्चे? ना मेरे साथ, हम 7-8 जने। कब लगे थे आप लाइन में यात्रा पर? 3 दिन हो गए लगते हुए, सही नंबर ही ना पड़ पाए, रोज की रोज रह जाए। भवन पर भीड़ ज्यादा है, जिसको लेकर जो है भवन पर भीड़ ज्यादा है ना, उसको लेकर यात्रा पर्ची काउंटर बंद कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे अभी, कितनी आपको परेशानी हो रही है या क्या? अब परेशानी तो हुई पड़ी, हमारे को 3 दिनों का नंबर नहीं लग रहा। अभी यात्रा पर्ची काउंटर है, सुबह खोला जाएगा 4 बजे, तो सुबह ही आपको जो है पंजीकरण आपका होगा। अब हम कहाँ जाए, हम तो किराया दे थक लिया, रूम मन का किराया दे के थक लिया, हम क्या करें, हम तो यहीं बैठ रहे हैं। भवन पर ज्यादा भीड़ होने के कारण किया है? कोई ना, उसमें बढ़िया है, सुबह 4 बजे लग जाए। मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है, जनता ज्यादा है काफी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हिमांशु। कहाँ से आए? मुरादनगर गाजियाबाद। तो कब पहुंचे थे कटरा में? 4 बजे। तो अभी भीड़ भवन पर काफी भीड़ हो गई है, जिसको लेकर यात्रा पंजीकरण काउंटर बंद कर दिया गया है जी। तो यात्रियों की काफी वहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी, अब सुबह खुलेगा यात्रा पर्ची काउंटर 4 बजे के करीब। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक किया है क्योंकि भीड़ होने के कारण पिछले 2 साल हमें यहाँ के अच्छा लग रहा है। माता रानी के दरबार है, बहुत सच्चे दरबार की जय। जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आपने देखा देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालुओं से हमने बात की कि यात्रियों में काफी खुशी की लहर है। कटरा पहुंचे उनका ये कहना है कि उनको काफी अच्छा लग रहा है और वो नव वर्ष 2024 की शुरुआत करने के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। और ये लाइव तस्वीरें अभी भी आप देख रहे हैं कटरा में, जहाँ पर अगर हम बात करें कि यात्रियों की, अभी भी काफी संख्या में यात्री कटरा पहुंच रहे हैं। ये लाइव विजुअल आप देख रहे हैं कटरा के मुख्य बस अड्डे पे, जहां पर अभी आप देखें कि ये आप देख रहे हैं कटरा के मुख्य बस अड्डे से लाइव तस्वीरें कि यहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु कटरा अभी भी पहुंच रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं गाड़ियां भी काफी यहां पर पहुंच रही हैं और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति यहां पर इस वक्त बनी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं जो कि भीड़ को नियंत्रित। जय माता दी। जय माता की। ये हो क्या रहा है, मतलब यहां पे ये हो रहा है कि यात्रा पंजीकरण काउंटर बंद कर दिया गया है रोड पर भीड़ ज्यादा होने के कारण। हाँ, तो सुबह 4 बजे खुलेगा यात्रा। अब कह रहे हैं कि होटल लो तो लेना पड़ेगा आपको। बताओ जी, जिस पे पैसे ना हो क्या करेगा? ये तो समाधान होना चाहिए, हमारे पास तो आने जाने का किराया ही है बस। हो सकते हैं कि जो श्राइन बोर्ड के जो धर्मशाला है उनसे आप बात करने की कोशिश करें। चलो जी, देखें यही करना पड़ेगा और क्या करना, परेशानी हो रही है वरना परेशानी है, परेशानी बहुत है। शाम बहुत से यहाँ पर श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर कटरा पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि काफी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना उनको करने पड़ रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप कटरा के मुख्य बस अड्डे से देख रहे हैं और ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा जवान जहाँ पर मौके पर आप देख रहे हैं भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये कटरा का मुख्य श्रीधर चौक है, ये कटरा का मुख्य बाजार जहाँ से शुरू होता है, और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें कटरा से देख रहे हैं। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि खबर को शेयर करना ना भूलें और जय माता दी लिखना ना भूलें। ये लाइव तस्वीरें कटरा के मुख्य बस अड्डे से हैं, जहां पर फिलहाल यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद कर दिया गया है और यहां पर एक विशाल जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको ये लाइव तस्वीरें कटरा के मुख्य बस अड्डे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक विशाल जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख सकते हैं कि देश भर से श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं ताकि वो नव वर्ष की शुरुआत माँ वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से शुरू करके एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सके। देखिए भाई, देखिए जी, 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 क्या? जी, जी क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम सुरेंद्र पेगा। कहाँ से आए? कैथल से। क्या कहना चाहते हैं? 17वां विशाल भंडारा लगा रखा है यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ पर गुरु नानक पार्किंग में। जी जी। आप लोग भी इनवाइट हो। जय माता दी। जो बोल क्या कहना चाहते हो? जो बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सुहा बढ़िया, बहुत नहीं कोई कम्पेशन। तो बहुत से श्रद्धालुओं को ये कहना है कि काफी अच्छे यहाँ पर प्रशासन द्वारा अच्छे इंतजाम किए गए हैं और ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कटरा के मुख्य बस अड्डे से हैं और
ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से फिर से यात्रा का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। और ये इस वक्त हम ज्वाइंट कंट्रोल रूम बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह का जो है हजूम ना लगाए, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कटरा का मुख्य बस अड्डा है और यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 4 बजे ही खुलेगा। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा पर्ची काउंटर बंद होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। जय माता दी। तो बहुत से श्रद्धालुओं को ये भी कहना है कि भवन पर ज्यादा भीड़ होने के कारण जो यात्रा पर्ची काउंटर बंद किया है, ये कहीं ना कहीं सही भी है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब ये लाइव तस्वीरें कटरा से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यात्रा को ये सूचित करते हुए, ये यात्रा को ये सूचना देते हुए कि इस वक्त यात्रा का जो पंजीकरण काउंटर है वो बंद कर दिया गया है और सुबह 4 बजे से फिर से जो है यात्रा पर्ची काउंटर जो है खोल दिया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ कटरा के मुख्य बस अड्डे से। हमारी सभी दर्शकों से ये अपील है कि जय माता दी लिखना ना भूलें, खबर को शेयर करना ना भूलें। ये आप देख रहे हैं अभी भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और जय माता दी। क्या नाम है आपका? पंखु। कहाँ से हैं? नरोड से। नरोड जयवंत सिंह पठानकोट। पठानकोट से हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं, नवे साल का एंजॉय करने आए हैं। नया साल मनाने आए माता लक्ष्मी की कृपा। हाँ जी। जय माता दी। जय करा लगा। जय माता दी। तो नया साल की शुरुआत करने यहाँ पर पहुंचते हुए काफी संख्या में श्रद्धालु, ये लाइव तस्वीरें आप कटरा के मुख्य बस अड्डे से देख रहे हैं। जय माता दी। माँ का कटरा में कब पहुंचे थे सबसे पहले? हम कटरे में परसों पहुंचे, बहुत ही हमें अच्छा लगा। पूरा यहाँ पर क्राउड और सभी माँ के भक्त यहाँ पर एंजॉय करते हुए। जय माता दी। किस तरह के ब्रदर रोहित हासिया भी आपको इस बारे में बताएंगे। रोहित हासिया। जय करा शर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। शिव टाइम्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी लाइव रिकॉर्डिंग करी यहाँ पर कटरा की पावन भूमि पे, हमारा स्वागत किया, इनकी हमारी तरफ से जय जयकार। किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। कटरे से लेके ऊपर भवन तक बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर जगह पे पानी, लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छी तरह से बात करते हैं, दुकानदार बहुत अच्छे हैं जी, और शिव टाइम्स वाले तो सबसे बढ़िया है जी। जय माता दी। तो हमने काफी श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात की और उनसे हमने ये बात जानने की कोशिश की कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन
बहुत से श्रद्धालुओं ने ये बताया है कि यहाँ पर नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए हम कटरा पहुंचे हैं और काफी अच्छे जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, काफी अच्छे बंदोबस्त यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जो घर बैठे माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? कुछ मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जैसे हमें उनका प्यार दिखाया वैसे हम, जैसे उन्होंने हमें प्यार दिया हमें बड़ी खुशी हुई उस प्यार को लेकर, तो वो हमारे साथ इसी प्रकार हमेशा बने रहे और माँ के भक्त इसी प्रकार माँ के इसी, इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर भव्य, इतना बढ़िया क्राउड है यहाँ पर कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सब मिलकर माँ का ये आखिरी दिन साल का और नए साल की एडवांस में आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपका माँ की दरबार पर बहुत खुशियों से, मैंने हमारी बहन नीरू और विजय एक छोटा सा आपके लिए एक संदेश। जय माता दी, हम कई सालों से आ रहे हैं और आते भी